नमस्कार मित्रों, मैं गहलोत भरत। मेरा गांव का नाम है संतोष गोलिया और मेरे तहसील का नाम है डीसा और डिस्ट्रिक्ट बनासकांठा नॉर्थ गुजरात से। आज हमने सोनालिका DI-47RX सिकंदर लिया है। उसकी मैं एक खासियत दिखा दूं दोस्तों, उस इस ट्रैक्टर में मेरे पास एक और ट्रैक्टर है। आज मैंने एक सोनालिका का ट्रैक्टर लिया है। उसकी वजह यह है दोस्तों कि उसके RPM करीबन 1900 RPM है। उसकी सिस्टम बहुत ही अच्छी है। मेरे तहसील में बहुत ही कम लोग ये ट्रैक्टर लेते हैं, लेकिन मैं दावा करता हूँ ये ट्रैक्टर बहुत ही अच्छा है और उसका सेल्स करीबन 6 महीने में बहुत ही मेरे एरिया में हो जाएगा, क्योंकि मैंने सिर्फ ये ऐसा ही समझो कि डेमो लिया है। उसकी मैं खासियत दिखा दूं, करीबन इसकी हाइट डिप्रेशन आप देखिए तो बहुत है, बहुत ही हाइट पर ट्रैक्टर है, 50 HP का ट्रैक्टर है दोस्तों। मैं दूसरी बात ये दिखा दूं कि ये उसका जो PTO है ये रिवर्सेबल है, फॉरवर्ड एंड रिवर्स। उसकी टेक्निक मैं दिखा दूं, ये टेलर की हाइड्रोलिक सिस्टम, उसका घेर भी अलग दिया हुआ है। तीसरी बात, इसका लुक आप आगे से देखिए तो बहुत ही अच्छा। इसकी सिस्टम ऑयल ब्रेक, उसका जब किसान ट्रैक्टर लेने जाता है ना दोस्तों, तो कभी ट्रैक्टर का CC कितना है वो कभी चेक नहीं करता, लेकिन इस ट्रैक्टर का CC करीबन 3067 CC है करीबन इसके आसपास। और उसकी ब्रेक सिस्टम बहुत ही अच्छा, माइलेज सुपर डुपर बोल सकते हैं, करीबन कंपनी 4.5 तक बोलती है, लेकिन मेरा उससे भी कम माइलेज में ये मेरा ट्रैक्टर चल रहा है। और हर एक गियर सिस्टम बहुत ही बढ़िया है। किसी ट्रैक्टर में गियर आप लगाते हो तो आवाज आता है, लेकिन उसकी ये टेक्निक बहुत ही अच्छा है। उसमें बिल्कुल आप गियर लगाओ तो बिल्कुल आवाज नहीं आती। मैं किसानों से निवेदन करता हूं कि जिस तरह मोदी साहब ने बोला है कि आत्मनिर्भर बनिए और वोकल टू लोकल चीज लेने के आग्रह रखिए, तो मैंने ये इंडियन कंपनी ली और इंडियन में ये 3rd नंबर पर कंपनी है। और करीबन इस जुलाई में 70% इसका सेल्स ग्रोथ बढ़ा है। तो मैं निवेदन करूंगा हर किसान को कि ट्रैक्टर लेना चाहिए तो सोनालिका ही लेना चाहिए, किसी का HP का लो। एक दूसरी खासियत, ये ट्रैक्टर कभी पीछे टेलर लगा हुआ है तो कभी लोड बहुत ही हो तो कभी ट्रैक्टर आगे से खड़ा नहीं होता। ये सोनालिका की हर किसी ट्रैक्टर में ये खासियत है। मेरे पास एक और ट्रैक्टर है, वो मैं कभी करीबन 250 टन उस ट्रैक्टर में लगाता हूँ तो आगे से वो खड़ा होता है, लेकिन ये सोनालिका नहीं होता, ये कंपनी का दावा है। तो दोस्तों मैं आप हर किसी को, इंडियन को मैं निवेदन करता हूँ कि आप ट्रैक्टर लो तो किसानी लो। धन्यवाद मित्रों।